बात तो तेरी ठीक है, करना तो वैलेंटाइन वीक में चाहिए था रिव्यू, पर तब तो वेट कौन करेगा, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। तो तब तक तो पता नहीं कितनी बोतलें पी हो जाएंगी, छोड़। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सिमरन और ये है वैलेंटाइन फाइनेस्ट ब्लेंडेड स्कॉच विस्की, 1827 में ग्रोसरी स्टोर से। अब किराने की दुकान मत कहना यार, अच्छा सा लगता। हाँ बिल्कुल, 1827 में ग्रोसरी स्टोर से मिस्टर जॉर्ज वैलेंटाइन ने 50 तरह की अलग अलग ग्रेन विस्की और माल्ट विस्की को मिक्स करके इसे बनाया। बिल्कुल इसी को, यही इकलौती बोतल थी। मतलब तब से बनती आ रही है, तो हम जानते हैं कि कहाँ से चली आ रही है, कब तक चली आ रही है और कब तक चलती रहेगी। नो डाउट एक अलग ही फैन बेस रखती है वैलेंटाइन। मतलब मेरे लिए भी थोड़ी स्पेशल है ये, पहली वो विस्की है जिसके बारे में मैं जानता था कि हाँ ये बॉटल इन स्कॉटलैंड होती है। मेरा रिएक्शन तब यही होता था, अच्छा स्कॉटलैंड वहाँ से बन के कैसे आती है? सीधी वहाँ से आती है। और दूसरी बात, कोई पहली स्कॉच मुझे पसंद आई थी तो वो वैलेंटाइन ही थी। तो ये है 750 ml की बॉटल, इनका बॉटलिंग का स्टाइल ही पहले तो बहुत ज़्यादा धांसू है यार, बहुत ज़बरदस्त लगती है, क्या बात है। और ये है 750 ml की बॉटल, चंडीगढ़ में मुझे ये मिली 1000 की। तो इसका प्राइस वेरी करता रहता है, 1000 से लेके 1200 तक। और ये आती है 43% अल्कोहल बाई वॉल्यूम के साथ। और हाँ, इस रेंज में ये बॉटल स्कॉटलैंड है। मैं विस्की इतनी लाइट नहीं है, ये बॉटल के कलर के हिसाब से ठीक है। हम सब में से कईयों की फेवरेट विस्की का मैं नोजिंग करने जा रहा हूँ। बहुत स्मूथ है यार, कुछ ऐसा मिक्सचर जैसे वनीला और हनी को ना मिक्स करके कुछ बनाया गया हो। कौन सी चीज़ आती है ऐसी, मुझे माइंड में नहीं आ रही। बहुत ही हल्की हल्की सी स्पाइसीनेस। वाओ, 43% अल्कोहल के बाद भी नोज पे कोई भी अल्कोहल का पंच नहीं है। ये है कुछ जैसे कैरमल पुडिंग खा रहा हूं मैं। शहद आ रहा है, पचास विस्की को मिलाने के बावजूद भी ना तो स्मोकीनेस है, ना कोई अल्कोहल का पंच है और ना ही कुछ वो मेटल वाला टेस्ट जिस तरह एक आता है ना, वो बिल्कुल भी नहीं है ऐसा कुछ। और सीरियसली बहुत ज़्यादा स्मूथ है ये। अगर ब्लाइंड टेस्टिंग में मैं इसको पीता तो ग्रांटेड मैं इसको बोलता कि ये कोई 35-38% अल्कोहल बाई वॉल्यूम वाली कोई विस्की होगी या डिल्यूट की होगी, बट ये 43% तो नहीं, रियली बहुत ज़्यादा स्मूथ है। बाकी इसके लिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ट्राई एक बार ज़रूर करें, ये ग्रंटेड है, सबने पी रखी है। हाँ, आप इसके बारे में थोड़ा सा जानने के बाद दोबारा ट्राई करें, फिर कमेंट में बताएं, ट्राई नहीं हमने छोड़नी है इसे। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगली वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।